प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मैत्री की भावना मनुष्य को पूज्य और प्रशंसनीय बनाती है। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम एक औषधि बनाएंगे जो घर में ही तैयार करेंगे। आँखों के लिए ये बहुत ही गुणकारी और बहुत ही फायदेमंद है। इसे हम घर में ही शुद्ध तरीके से बनाएंगे, तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरीके से बनाते हैं। हमें इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं लगेगी। हमें इसके लिए चाहिए 1 कप दूध, आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, और भीगे हुए बादाम 7 बादाम, 4 से 4 काली मिर्ची, हम चाहे काली वाली मिर्ची लें या फिर सफ़ेद मिर्ची भी ले सकते हैं। यह जो हम औषधि बनाएंगे, ये आँखों की कमजोरी, आँखों से पानी आना, आँखों का लालपन और आँखों की रोशनी का कम होना, इन सभी रोगों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। और भी हमारे पास आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये हम आज देखते हैं कि हम दूध में अपने खाने की चीज़ों से अपनी आँखों की रोशनी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर 7 बादाम लेंगे और 4 काली मिर्च लेंगे, जिसे हमने अच्छी तरीके से धो कर, छने पानी से धो कर हम इसे भिगो देंगे। यदि आप चाहें तो इसे पानी में भी भिगो सकते हैं, और यदि आप इसे दूध में भिगाएंगे तो इसके गुण और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखिए, हमने इसको भिगा दिए, हमें इसे कम से कम 8 घंटे भिगोना है। तो हम इसे दूध, थोड़े गर्म दूध में सुबह भिगा देंगे तो ये जल्दी से हमारे भीग जाएंगे। इसे सुबह सुबह लेना ज़्यादा गुणकारी होता है, लेकिन सुबह ना ले सकते हैं तो आप दोपहर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहें तो इसमें थोड़ी सी इलायची भी डाल सकते हैं। और एक और तरीका बताती हूँ, यदि जैसे सुबह में भिगाने में समय लगता है, 8 घंटे का समय चला जाता है और हमें सुबह जल्दी लेना है इसे, तो आप इसको इस तरीके से पीस कर भी रख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर बादाम को पीस लिया है, मैंने करीब इसमें 24-25 बादाम पीसी है, जिसके हमने 4 भाग बना लिए, तो हम इसे 4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सूखी हमारी बादाम है। तो देखिए, हमने इस पाउडर को जो हमने आधा कर लिया है, हमारी 7 बादाम का पाउडर, वो गर्म दूध में डालेंगे और उसमें हम काली मिर्ची डाल देंगे। अब इसे आप थोड़ी सी देर भीग जाने दें इसी दूध में, तो ये आराम से अच्छे से भीग जाएगी, उसके बाद हम इसका सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, हमें इसे सुबह खाली पेट लेना है पानी के बाद, तो ये हमारी जो औषधि है वो बहुत गुणकारी होती है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो बादाम होती है, इसे जितना हम बारीक करते हैं उतना ही हमारी बॉडी को ये फ़ायदा देती है। यदि ऐसे ही कच्ची हम बादाम खाते हैं बिना चबाए, तो ये हमें इतना फ़ायदा नहीं देती है। जिस तरीके से बच्चों को हम घसारे में घिस कर देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे इतना बारीक करना है इसको। तो आप इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है ये, आपको दूध में अपने बादाम का पाउडर डालना है और इसका सेवन करना है रोज़ सुबह। तो इस तरीके से आप घर में ही इसका प्रयोग करें। इसी तरह यह नारियल का दूध, हमारे नॉर्मल दूध के अंदर 1 चम्मच तिल का पाउडर डालना, ये सब बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे दूध का कैल्शियम भी बहुत बढ़ता है। तो इस तरीके से हम औषधि के रूप में भी इन सब चीज़ों का प्रयोग करके अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। जैनागम के अनुसार बनने वाली शुद्ध व्यंजन विधि का मुक्त कंठ से प्रचार प्रसार करें, सभी साधर्मियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चरणानियोग के अनुसार शुद्ध व्यंजन विधि बनाने से आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है और परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेन्द्र।